और देशवासियों के इस दुख के साथ जुड़ रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं इस वक्त हमारे इन देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है ये, जब हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी इस तरह असामयिक मृत्यु हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पुष्पांजलि के जरिए इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की ओर से नहीं बल्कि पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री अपने इन वीर सपूतों को, देश के इन बलिदानियों को अर्पित कर रहे हैं। इन शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन राष्ट्रनायक बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों का निधन अत्यंत दुखद और राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और अब उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी को भी पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। और अब ब्रिगेडियर एलिस लिदर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री, इस दुर्घटना में सीडीएस के साथ अन्य 12 लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के अलावा ब्रिगेडियर एलिस लिदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप और हवलदार सतपाल, इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये शूरवीर हैं, ये वीर सपूत हैं, जिन्होंने देशभक्ति का जज्बा अपने जीवन में प्रकट किया, जिन्होंने इस जज्बे को जिया और इसी जज्बे के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और आज तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर देशवासियों की आंखों में अश्रु तो ला रहा है, लेकिन साथ ही ये संदेश आत्मसात करने का भी आह्वान कर रहा है कि देशभक्ति के लिए जियो, देश के लिए जियो, देशभक्ति के जज्बे के साथ जियो। और इसी संदेश को आज हम सब के लिए ज़रूरी है आत्मसात करना, तभी देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की ओर से इन सभी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश के लिए एक भावुक क्षण है जब एक साथ अपने इतने वीर सपूतों को देश ने खोया। ऐसे में इनके परिवारजन, इनके परिजनों के साथ उनका दुख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऐसे क्षण हैं, ये ऐसे पल हैं जब दिल में बहुत एहसास उमड़ते हैं, बहुत से विचार उभरते हैं, लेकिन मौन शब्द बड़े संदेश देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन्हीं परिजनों के प्रति देशवासियों की कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए, देश के लिए इन वीर सपूतों का बलिदान, इन परिवारजन का भी बलिदान बहुत बड़ा है। इन्होंने अपने परिवार के जन को खोया, लेकिन इन सबकी आंखों में नमी के साथ एक गौरव भी है, एक गर्व का एहसास भी है।
और इन सब के प्रति आज देश की ओर से कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज एक अवसर जब पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है, एक अवसर जब इन वीर बलिदानियों को पूरा देश इनके प्रति कृतज्ञता महसूस कर रहा है, पूरा देश इनके बलिदान को समझते हुए इनसे देशभक्ति का सबक सीख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संपूर्ण देश की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, इनके परिवारजन के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है, क्योंकि इनका बलिदान देश के लिए गया है। ये देशभक्ति का जो सबक सबको सिखा रहे हैं, आज हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिन्होंने देशवासियों की ओर से अपने इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पालम एयरपोर्ट से ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं पालम एयरपोर्ट से।